इंतखाबात में बुना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के नफाज की इफ्तिताही तकरीब से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खिताब करते हुए कहा है कि बुना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबा अहसन इकदाम है। बुना रास्त मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। सरमायाकारों का एतमाद दोबारा बहाल होना शुरू हो चुका। ज़र-ए-मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम जारी है। तवानाई शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है और मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब रवादवा है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमारा डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ना एक खुशाइन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। पीटीआई रहनुमा आसिम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। जलसा वानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किया गया। वानी पीटीआई की हिदायत पर आज होने वाला जलसा 8 सितंबर को होगा। पीटीआई रहनुमा आसिम सवाती ने अडियाला जेल में वानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। आसिम सवाती ने मजहबी जमात के एहतजाज से मुतालिक भी आगाह किया। आसिम सवाती का कहना है कि वानी पीटीआई ने हिदायत की है कि किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। जमीन तरीके इंसाफ मिनिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान का जायजा लेने से मुतालिक आला सतह इजलास हुआ, जिसमें शहर इक्तदार में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मोहसिन नकवी का कहना है कि अमन आमा बरकरार रखना हमारा वलीन तरजीहात में शामिल है। एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। एहतजाज से अवाम के रोजमर्रा की मामूलात जिंदगी मुतासिर नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ्फुज पहली जिम्मेदारी है। अवाम के जान माल के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पायदार अमन के लिए मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के मसले को हल किया जाए। अक़वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में अमन के क़याम और फरोग से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब करते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के जड़ों को हल करने में नाकामी ने तनाज़ात के फैलाव को जन्म दिया। इस हवाले से बैल-अक़वामे हिकमत अमली बड़ी हद तक नाकस, गैर मौसर और गैर तसल्ली बख्श रही। उनका कहना था कि गजा में नस्ल कुशी को खत्म करना सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुतासरीन और इनके खानदानों के साथ यकजहती में खड़ा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर से निपटने के लिए अपने गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का इआदा करता है। हम अपने शहदा और जिंदा बचाने वालों की यादों का एहतराम करते हैं। अपने बहादुर सिक्योरिटी और कानून नाफिज़ करने वाले अहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हैं। मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाली कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि चीफ कमिश्नर ने इंसाफ के तकाजों के मुनाफी फैसला दिया। पेशावर में साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का अपने बयान में कहना था कि चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाजे और कानूनी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है, जिसने हमेशा आयन की बालादस्ती को मुकदम समझा। उन्होंने कहा कि चीफ कमिश्नर ने इंसाफ के तकाजों के मुनाफी फैसला किया। पिछले एक साल से पीटीआई इस्लामाबाद में एक अवामी जलसा मुनक़िद करने की कोशिश कर रही है। कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करती है तो कभी इंतजामिया के दफातर के चक्कर लगाती है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के बाद तमाम तर राबते जारी रहे। 9 मई के टारगेट फैज हमीद ने चुने, 9 मई को अफरादी कुव्वत बानी पीटीआई ने दी। बानी पीटीआई के अपने दौर में भी किसी फौजी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि किसी जनरल के ओपन ट्रायल की नजीर हमारी तारीख में नहीं मिलती, अगर बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हुआ तो वो ओपन होगा। वजीर आजम के मशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के असल चेयरमैन तो फैज हमीद थे। अडियाला जेल में पैगाम रसानी जारी थी, फोन पर इनके राबते भी चलते रहे। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई कभी वर्जिश करने वाली मशीन और कभी देसी मुर्गी मांगते हैं। बानी पीटीआई ने जो कुछ किया उनको बदतर जेल में रखना चाहिए। बानी पीटीआई अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फजल सदीक ने कहा कि कोर्ट मार्शल में नून लीग सियासत क्यों कर रही है। अदालत बानी पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात की लिस्ट मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियां रोकने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजेसा ने तहरीर किया, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अजहर मिनोला का फैसला बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक 11 सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मोनाल रेस्टोरेंट का कब्जा ले लें और नेशनल पार्क में मौजूद रेस्टोरेंट ला मोंटाना, ग्लोरिया जीन्स कॉफी शॉप का भी कब्जा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सीडीए और पुलिस की मदद से कब्जा लिया जाए और रेस्टोरेंट्स को जाने वाले रास्ते को बैरियर लगाकर बंद किए जाए। फैसले के मुताबिक वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर रेस्टोरेंट्स की इमारत गिरा दी जाए। इंसदाले दहशतगर्दी अदालत रावपिंडी में 9 मई वाक़े के बाद माफ गवाह वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट मुनहरफ हो गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने इंसदाले दहशतगर्दी अदालत में 164 के बयान से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट की जानिब से मोहम्मद एडवोकेट फैसल मलिक ने दरख्वास्त दायर की। इंसदाले दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। दरख्वास्त में कहा गया कि हमने बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर कोई ऐसा बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। उन्होंने दरख्वास्त में मजीद कहा कि हमें बानी पीटीआई ने हमेशा पुरमन जद्दोजहद का आदर्श दिया। सात अक्टूबर 2023 को हमास का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसराइल की खुफिया एजेंसी का सरबराह मुस्ताफी हो गया। मुस्ताफी मेजर जनरल एरन हालेवा ने 7 अक्टूबर 2023 के वाकयात की रियासती तहकीकात का मुतालबा किया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी के नए सरबराह मेजर जनरल शेलूमी ने हमास के पास इसराइली यरगमालियों की रहाई को अपनी तरजीह करार दे दिया। इसराइली फौज में ये तब्दीलियां ऐसे वक्त आई हैं जब इसराइल पर ईरान के हमले का खतरा बढ़ रहा है और मशरिक वस्ता में सूरतेहाल से निपटने के लिए अमरीकी तैयारा बरदार USS अब्राहम लिंकन मशरिक वस्ता पहुंच गया है। इलावाजी अमरीकी तैयारा बरदार USS थियोडोर रूज़वेल्ट भी पहले से ही मशरिक वस्ता में मौजूद है। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल के बदले में इसराइल पर मुमकिन जवाबी हमले का इंतजार तवील होने का कह दिया। पास दौरान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइमीनी ने कहा है कि दुश्मन को हमारे नब्बे तले और दरदुरुस्त जवाब का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि ईरान का रद्द अमल शायद माजी की कार्रवाई जैसा ना हो, वक्त हमारे हक में है।
इसराइल के खिलाफ रद्द अमल का इंतजार तवील हो सकता है। जनरल अली मोहम्मद का कहना है कि सिहूनी हुकूमत ने इस्माइल हाना की शहादत में खास अहदाफ तय किए, लेकिन इन्हें कुछ हासिल न हुआ बल्कि मजामती महाज ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि गजा जगबंदी की हिमायत करते हैं, लेकिन किसी भी सियासी पेशकश का इसराइल से हमारे बदला चुकाने का हक कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। इसराइल की जानिब से मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला मुसलसल जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और गजा में फौरी जंगबंदी के लिए नारे लगाए गए। उधर अमरीकी शहर शिकागो में भी इसराइली कौंसुलेट के बाहर मुजाहरा किया गया, जहाँ पुलिस ने 55 मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानिब से गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से गजा पर जारी हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 41,000 तक जा पहुंची है। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फौजी बैरक्स पर हमला कर दिया गया। लिबनानी तंजीम का कहना है कि क्रोएशिया रॉकेट्स ने बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल ने भी जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इसराइल पर मुमकिन ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर अमरीकी तैयारा बरदार USS अब्राहम लिंकन भी मशरक वस्ता पहुंच गया। अमरीकी तैयारा बरदार USS थियोडोर रूज़वेल्ट भी पहले ही खतरे में मौजूद है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने नीलामी में 321 अरब मालियत के टेबल्स फरोख कर दिए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामी में टेबल्स की नीलामी की तफसीलात से मुतालिक आगाह किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक हुकूमत ने 3 माह के 52 अरब रुपए मालियत के बिल्स फरोख किए और 3 माह के बिल्स की कट ऑफ एलेट 1.48% कम होकर 17.49% रही। स्टेट बैंक का बताना है कि हुकूमत ने 6 माह के 144 अरब रुपए मालियत के बिल्स बेचे और 6 माह के बिल्स की कट ऑफ एलेट 1.01% से कम होकर 17.74% रह गई।